दोस्तों आज हम एक ऐसे फिल्म की बात करने वाले हैं जिसमें स्टेयर कॉमेडी और सोशल कॉमेंट्री सब कुछ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोरुत्तू नाडकम की, जिसे डायरेक्ट किया है नौशाद जाफरोन ने और फिल्म का लीड रोल प्ले कर रहे हैं सज्जू कुरुप। ये फिल्म एक छोटे शहर के रिलीजियस बेस्ड को मजेदार तरीके से दिखाती है और आपको हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस फनफुल्ड रिव्यू को। पोरुत्तू नाडकम एक स्मॉल टाउन कॉमेडी है जो केरला कर्नाटका बॉर्डर के आसपास एक छोटे से गांव गोपालपुरा में सेट है। स्टोरी में एक आम से दिन की शुरुआत होती है एक मुर्गी के बाउल के से, और हमें मुनिकुती नाम की एक गाय से मिलाया जाता है। जी हाँ, एक गाय जिसकी फीमेल वॉइस ओवर नरेशन आपको मूवी की कैरेक्टर से मिलाती है। सज्जू कुरप इस फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जो उसके साथ आपको राहुल महादेव, धर्माजन बोनगाटे और रमेश विसोडिया जैसे एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। कहानी काफी सिंपल है, लेकिन इसमें रिलीजियस बेस और कल्चरल डिविजन्स को काफी सूटेबल तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। ये फिल्म एक लाइट हार्टेड स्टेयर है जिसमें आपको कॉमेडी और इमोशंस का बैलेंस मिक्स मिलेगा। गोपालपुरा के कैरेक्टर्स का डेली लाइफ और उसकी सोच आपको हंसने के साथ साथ समझ देंगे कि हमारे आसपास किस तरह से स्मॉल माइंडेड एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सज्जू कुरप ने इस फिल्म में अपने कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस का पूरा फायदा उठाया है। उनका कैरेक्टर्स ग्राउंडेड है, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी और इनोसेंस को डायरेक्टर ने इतना अच्छे से हाईलाइट किया है कि आप उन्हें देखते वक्त बोर नहीं होते। उनका एक यूनिक एनर्जी स्क्रीन पर फील होती है जो फिल्म के मजा और डबल कर देती है। यहाँ पर धर्माज बोलगेटी का कॉमेडी एक और हाईलाइट है। राहुल महादेव और राजेश पिसारोडी ने भी अपने रोल्स को ऑनेस्टली निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट में हमें रमेश पिसारोडी, सुनील सुखाड़ा और निर्मल पालाजी जैसे टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलते हैं, जिसे हर सीन और इंगेजिंग बन जाता है। एक एंसेबल कास्ट होने के बाद भी हर कैरेक्टर्स को एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दी गई है जो स्टोरी को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। अब डायरेक्टर नौशाद जाफरोन ने इस फिल्म को बड़े ही सिंपल और रियल तरीके से डायरेक्ट किया है। हमें सोसाइटी के सेंसिटिविटी टॉपिक जैसे रिलीजियस बेस को कॉमेडी के थ्रू पोर्ट्रे करना हमेशा से एक ट्रिकी काम होता है, लेकिन नौशाद ने इस बैलेंस को काफ़ी इंटेलिजेंटली मेंटेन किया है। कहानी में कोई भी सीन ऐसे नहीं लगते जो फोर्स या अननेचुरल हो। सिनेमाटोग्राफी के लिए नौशाद शरीफ का काम भी काफ़ी इंप्रेसिव है। एक स्मॉल टाउन एटमोसफेयर को दिखाने के लिए जो अर्थी टोन और वाइल्ड एंगल शॉट यूज किए गए हैं, वो ऑडियंस को विलेज के बिल्कुल बीच में ले जाते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो राहुल राज का स्कोर फिल्म का मूड के साथ परफेक्टली जेल होता है, स्पेशली जब कोई कॉमेडी इमोशन सीन्स चल रहा होता है। एडिटर राजेश राजेंद्रन ने सीन्स को काफी स्मूथली कट किया है जिससे फिल्म का फेस कंसिस्टेंट लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव की। सबसे पहली चीज जो स्टैंड आउट करती है वो है फिल्म का राइटी और स्टैटिकल स्क्रीन प्ले। रिलीजियस बेस्ड को कॉमेडी के जरिए दिखाना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, और स्क्रिप्ट राइटर सुनेश वरानद ने काफ़ी ज़बरदस्त डायलॉग लिखे हैं। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया को पोर्ट्रे करती है जो रिलेटेबल है लेकिन साथ ही एंटरटेनिंग भी। दूसरा, फिल्म का कास्टिंग चॉइस परफेक्ट है। सज्जू कुरुप और धर्माज बोलगेटी जैसे एक्टर्स को देखकर आपको लगेगा कि ये रोल्स उनके लिए ही लिखे गए थे। और हाँ, एक छोटी गाय के थ्रू नरेशन दिया गया है, ये एक क्विकली टच है जो फिल्म को और भी यूनिक बनाता है। और तीसरा पॉजिटिव जो मुझे लगा वो है फिल्म का टोन। रिलीजन बेस्ड जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर कमेंट्री करते हुए भी फिल्म अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी को लूज नहीं करती। आपको हंसने के साथ साथ ये फिल्म कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझा देती है। अब अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो है कुछ सीन्स का लेंथ। कहानी को थोड़ा और टाइटली पैक किया जा सकता था। कुछ सीन्स अननेसेसरी स्ट्रेस्ड लगते हैं जो मूवी के फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, जबकि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स आर को और थोड़ा एक्सप्लोर किया जा सकता था। इनकी कहानियों को थोड़ा और टाइम मिलता तो फिल्म इंगेजिंग हो जाती। पोरुत्तू नाडकम को अगर हम कंपेयर करें तो ये फिल्म एक फेमिलियर नैरेटिव के साथ आती है जो हमें मलयालम सिनेमा के स्टेयर्स जैसे ई मा या यू या सुदाई फ्रॉम
नाइजीरिया की याद दिलाती है। ये एक छोटी कहानी को मज़ेदार तरीके से पोर्ट्रे करती है, लेकिन अपने सोशल मैसेज को कभी फोर्सफुली नहीं पुश करती। इसमें एक नेचर फ्लो है जो उस टाइप की फिल्म को अपेयर करता है जो स्मॉल टाउन कॉमेडीज और सोशल कॉमेट्रीज को कॉम्बाइन करती है। तो ओवरऑल पोरुट्टू नडकम एक लाइट हार्टेड फुलफिल्ड स्टेयर है जो रिलीजियस बेस्ड पर एक फ्रेश टेक ऑफर करती है। साइजू कुरुप और धर्माजा बोलगटी के फैंस के लिए ये फिल्म एक डिलाइट होगी। अगर आपको कॉमेडी फिल्म्स पसंद है जो आपको सोचने पर मजबूर भी करती है तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच है। नौशाद सफरून ने इस फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया है और सुनील वरानद का स्मार्टली राइटिंग स्क्रिप्ट फिल्म को और इंगेजिंग बनाता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फिल्म ज़रूर देखो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर जरूर करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।